जनपद संभल की चंदोसी में निजी स्कूलों पर लगने वाले आरोपों का निजी स्कूल संचालक ने दिया बड़ी बेबाकी से जवाब। अक्सर निजी स्कूल संचालकों पर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं, जिनका सामना करने से निजी स्कूल संचालक अधिकतर बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। आज हम आपको जनपद संभल की चंदोसी में एक ऐसे निजी स्कूल संचालक से मिलाते हैं जिन्होंने स्कूल संचालकों के ऊपर लगने वाले तमाम आरोपों के सवालों का सामना किया और उनका बेबाकी से जवाब दिया। ऐसे ही स्कूल संचालक हैं एएम वर्ल्ड स्कूल के प्रबंधक अनूप मंगलम से हमारे संवाददाता सरफराज अंसारी ने मुलाकात की और उनसे स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें हर साल क्यों बदली जाती हैं, किताबों में कमीशन का क्या खेल है, इस तरह के तमाम सवालों पर अनूप मंगलम ने किस तरह बेबाकी से जवाब दिया, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जी जी, अधिकतर स्कूल वाले एनसीईआरटी की बुक्स क्यों नहीं चलाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक्स भी चलती हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, हालांकि ऑफिशियल ये कैमरा है, बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स में कोई भी बहुत सालों से परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि दुनिया बदल चुकी है। अगर मेरी बात करेंगे तो मैंने 6th क्लास में इंग्लिश पढ़नी चालू की थी, उससे पहले मेरे पे इंग्लिश नहीं थी। और जबकि आजकल आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं और से समझते हैं, उसी अनुसार सारे कार्य करते हैं। अब जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें 2005 से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। तो जो निजी विद्यालय हैं वो इसमें ये चुनाव करते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स अच्छी है जो बच्चों को बेहतर रहेगी, और कौन सी बुक प्राइवेट पब्लिकेशन की लगानी चाहिए, इसलिए वो लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक्स वो नहीं लगाते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वो लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल, ये बुक्स हर साल क्यों चेंज की जाती हैं? बुक्स हर साल नहीं चेंज की जाती हैं। जैसे अगर मेरे विद्यालय की बात करेंगे तो इस साल हमने कुछ क्लासेस में केवल एक बुक चेंज की है, और वो भी चेंज हम इसलिए करते हैं कि कोई प्रकाशक उससे बेहतर कंटेंट की अगर बुक बनाता है तब हम उसे चेंज करते हैं, वरना बुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कहा जाता है, कई अभिभावक कहते हैं कि स्कूल का कमीशन होता है बुक्स में, तो वो क्या है मामला? देखिए, मैं सभी विद्यालयों के बारे में इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां तक मैं अपने विद्यालय की बात करता हूं, अगर कोई 100 रुपये की बुक 40 रुपये में आती है, उसमें 60% अगर मार्जिन होता है, तो हमारे जितनी भी बुक्स हैं उसमें 3% प्रॉफिट बुक सेलर कमाते हैं और उन्हें 43 रुपये में मिलती है। 5 वर्ष मेरे स्कूल को होने जा रहे हैं, अगर कोई बुक 100 रुपये वाली 70 में आएगी तो 73 में मिलेगी, और 30 में आएगी तो 33 में मिलेगी। तो ये सारा का सारा जो मार्जिन है वो पेरेंट्स को ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि जब स्कूल की मान्यता ली जाती है तो उसमें एक चीज़ आती है कि 25% गरीब बच्चों को स्कूल में फ्री पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा बहुत सारे विद्यालयों में नहीं होता, क्या आपके विद्यालय में ऐसा है, पढ़ाते हैं फ्री? देखिए, एक तो ये नियम क्यों बनाया गया, सबसे पहले इसे सोचना पड़ेगा। ये नियम इसलिए बनाया गया कि जहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है 2-3 किलोमीटर दूर तक या 4 किलोमीटर दूर तक, तो वहाँ का बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा? और मान लीजिए वहाँ निजी विद्यालय है, चाहे उसकी फ़ीस 10,000 है या 1,00,000 है, तो वो बाध्य हैं उन्हें 25% निःशुल्क गरीब बच्चों को पढ़ाना होगा। रही बात हमारे विद्यालय की, तो इसमें आप जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह, उसके बाद लखनऊ से लिस्ट फाइनल होती है और उन बच्चों को मैं हमारे विद्यालय के सभी विद्यालय पढ़ाते हैं। और एक बात और बता दूं, यह निःशुल्क नहीं होता है, इसका पेमेंट सरकार हमें करती है, तो निःशुल्क का कोई मैटर नहीं है। निःशुल्क केवल अभिभावकों के लिए है, लेकिन विद्यालयों के लिए वो निशुल्क नहीं है, क्योंकि उनका शुल्क हमें सरकार से मिल जाता है। अच्छा, अब कुछ स्कूलों में ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह पे क्लासेस चल रही हैं, जिनका असर बच्चों की आंखों पर ही पड़ता होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑनलाइन जो, जैसे हमारे स्कूल की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत तरीके से चल रही है, किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ नोट्स भेज दिए या किसी ने जूम के द्वारा पढ़ा दिया। लेकिन अगर हमारे विद्यालय की बात करें तो हम सप्ताह में 3 दिन और एवरेज 2.5 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मानिए एक बच्चे को हम एवरेज 1 घंटा 7 मिनट की शिक्षा दे रहे हैं, और उसमें भी हमने अभिभावकों को ये निर्देश दे रखे हैं कि यदि आपका स्मार्ट टीवी है तो आप स्मार्ट व्यू के ऑप्शन से मोबाइल को टीवी से जोड़ लीजिए या आप अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर लीजिए।
तो 1 घंटा 7 मिनट बच्चे आराम से देख सकते हैं। और वो वैसे भी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे मोबाइल आज की तारीख में आधे घंटे वैसे भी चलाते हैं, तो इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है। हाँ, अगर कोई विद्यालय 5-6 घंटे रोज़ शिक्षा दे रहा है तो इसमें सोचने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को फ़ायदा होगा? देखिए, ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन का मुकाबला नहीं कर सकती, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि एक विद्यालय में पढ़ना बच्चों का और ऑनलाइन पढ़ना, उसमें फ़र्क रहेगा। लेकिन चूंकि लॉकडाउन की परिस्थिति है और इस परिस्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी, तो जो बच्चे घर में खाली हैं या उनका मन नहीं लगता है, तो उनके लिए ये है कि वो कम से कम पढ़ाई के लिए कंटिन्यू रहेंगे। अगर उनकी ऑनलाइन भी शिक्षा नहीं की जाएगी तो उनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा ब्रेक आ जाएगा, फिर उन्हें पुराना कंटेंट रिकॉल करने में दिक्कत होगी। जैसे कि फीस का कुछ इशू रहता है इस समय, सरकार ने भी कह रखा है कि 3 महीने तक अभिभावकों पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे कि फीस देनी चाहिए स्कूलों को इस समय पूरी? देखिए, स्कूलों को अगर आप न्यायपूर्ण बात करेंगे तो पूरी फीस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभी ये जो समस्या है वो अभिभावकों के सामने भी है और स्कूल ओनर्स के सामने भी है और टीचर्स के सामने भी है और स्टाफ के सामने है। तो हमें एक मानवता के नाते एक ऐसा हल निकालना चाहिए जो सभी के हित में हो। अगर आप अभिभावकों की बात करेंगे तो बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिन्हें पहले से ज़्यादा इनकम हो रही है। आप जानते हैं कुछ ऐसे व्यापार हैं जो आज की तारीख में और ज़्यादा चल रहे हैं, और बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनकी दुकानें बंद हैं, उन्हें आप एक श्रेणी में नहीं रख सकते। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल हैं जिन पर पुराने फंड हैं, वो यहाँ से हमारे शहर से ही करोड़ों रुपये दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर वो 2-3 महीने फीस नहीं लेंगे या कुछ कम कर देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा ऋण ले रखा है, उन पर ऑलरेडी EMI की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में जो निर्णय होना चाहिए वो एक सामूहिक निर्णय नहीं हो सकता इसमें कि हर विद्यालय को ये करना चाहिए, हर अभिभावक को ये करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन सेटलमेंट होना चाहिए, और कायदे में विद्यालय हो या स्टाफ हो या अभिभावक हो, सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, यही उचित है मेरी नज़र। आपको निजी स्कूलों का भविष्य दिखता है? निजी स्कूलों का भविष्य मुझे 2-3 साल बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है समाज में, असल में वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे 12th तक शिक्षा निशुल्क दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि जो बच्चा गरीब के यहाँ पैदा हुआ तो उसमें उस बच्चे का दोष नहीं होता है, और उसके माता पिता अगर नहीं कमा पाते हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो कायदे में सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो रईस है। लेकिन भारत में क्या है कि चूंकि सरकारी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए निजी स्कूल खुले हैं। अगर चंदौसी की बात करें तो पिछले 5 वर्ष में एक भी स्कूल नहीं खुला है, क्योंकि लोग इसे और दृष्टि से देखने लगे हैं, जैसे ये सेवा का काम हो और इसमें कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे पुराने ज़माने में, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो जब मैं क्लासरूम में जाता था तो उसमें एक प्लेट लगी हुई थी कि ये फलाना व्यक्ति ने अपनी माता की स्मृति में ये रूम बनाया है, या मैं क्लासरूम में ऊपर पंखा था उस पर लाल रंग से लिखा हुआ था कि ये ऐसे ऐसे उन्होंने दान दिया है। तो पहले जो निजी स्कूल भी होते थे उसमें समाज का योगदान होता था, कोई ज़मीन देता था, कोई कमरे बनवाता था, कोई दरी लाता था, इस तरीके से स्कूल चलते थे। लेकिन आज की तारीख में प्रवेश बदल चुका है, कोई भी स्कूल को 1 रुपया कोई भी दान नहीं देता है। अब निजी स्कूल ऐसे खुल रहे हैं कि कोई भी समूह या कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खरीदता है, या वो बैंक से ऋण लेके या अपने पैसों से बिल्डिंग बनाता है, और ऐसी वो गाड़ियाँ खरीदता है और पूरा ये सेटअप बनाता है। तो जो आज का परिवेश है वो बिल्कुल अलग है। अभी क्या हो रहा है कि कुछ पेरेंट्स के मन में ये भाव है कि जो निजी स्कूल गलत कर रहे हैं हम उनके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। ठीक है, वो समाज के लिए अपनी सोच से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होना है, अगर निजी स्कूल अगर पीछे हट गए और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था वही रही तो ऐसे में शिक्षा को नुकसान होगा। तो होना क्या है कि ये जितने भी निजी स्कूल हैं, अगर नए स्कूल खुलने बंद हो गए तो ये 2-3 साल बाद 4 साल बाद और ज़्यादा कोई अगर उसके द्वारा गलत काम कर रहा है तो वो और ज़्यादा करने लगेगा, क्योंकि निजी स्कूल ज़्यादा नहीं खुलेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि निजी स्कूलों में ध्यान न देके सरकार से ये प्रयास किया जाए। सरकार के बहुत अच्छे स्कूल हैं, जैसे एम्स हॉस्पिटल है, बहुत टॉप हॉस्पिटल है, या आपके IIM है, MBA करते हैं बच्चे, भारत में सबसे अच्छा विद्यालय है वो। तो इस तरीके के
हमारे प्रयास होने चाहिए कि सरकार हमें इतना अच्छा विकल्प दे कि निजी स्कूल अपने आप बंद हो जाएं, या जिस पे बहुत पैसे हैं वो पढ़ा ले वरना मैं अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सरकार के स्कूल बहुत अच्छे होने चाहिए तो निजी स्कूलों की व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। अगर उनका अभियान निजी स्कूलों के खिलाफ रहेगा तो उससे आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र को बहुत नुकसान होगा और इसकी भरपाई शायद हम और आप नहीं कर पाएंगे।